न्यूज 18 आज एक इंटरव्यू आपके सामने लेकर आ रहा है। सीमा हैदर, जिनका विवादों से नाता रहा, पाकिस्तान की सीमा को पार करते हुए भारत में प्रवेश कर गए, तब भी विवाद हुआ। जासूस और एजेंट पता नहीं क्या क्या कहा गया, तब भी विवाद हुआ। और अब तो सीमा पूरी तरह से भारतीय रंग में लगी दिखाई देती है। तीज त्यौहार हो या चंद्रयान की सफलता, हर जगह सीमा की दुआएं हैं, सीमा का प्यार है। तो आज सीमा हैदर हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़ रही हैं और साथ ही उनके वकील एपी सिंह साहब भी हमारे साथ इस इंटरव्यू में होंगे। तो सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एपी सिंह साहब आपका भी धन्यवाद स्वागत है। चलिए तो सीमा, सबसे पहले तो यही कि आप अब पूरी तरीके से हिंदुस्तानी हो गई हैं। बिल्कुल, सारे 30 त्यौहार आप मना रही हैं और भी हाल फिलहाल आपके कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं। 15 अगस्त के दिन आपने भारत माता के जय 30 त्यौहार पे भी आपने वीडियो जारी किया, साथ ही आपने राखी भी भेजी। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिली जब डॉक्टर एपी सिंह मेरे घर पे आए, इनको राखी बांधी। भाई के रूप में ये बहुत अच्छे हैं, वकील भी बहुत अच्छे हैं और भाई के रूप में और अच्छे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं और त्यौहार मना रही हूँ। रक्षाबंधन तो बहुत अच्छे से बीता हमारा, दूर दूर गुजरात से बहुत दूर दूर के लोग आके मुझसे राखी बंधवा के गए। बड़े बड़े थे, जिस तरह कहते हैं ना बड़े लोग छोटे दिल, पर यहाँ ऐसा नहीं था, बड़े लोग और बड़े दिल थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, आपने कहा कि बड़े लोग और बड़े दिल की बात, तो भारतीय हमेशा बड़े दिल के ही लोग होते हैं। अभी भी हम ये कह सकते हैं भारत में आप तो हैं, लेकिन कभी भी आपको पाकिस्तान जाना पड़ सकता है, तो इस पर इसको लेकर कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अभी संशय की स्थिति तो बरकरार है। बिल्कुल मैम, मैं अगर कभी जाना पड़ा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरी आखिरी सांस भी हिंदुस्तान में है, मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी, जिंदा तो कभी नहीं जाऊंगी, जाएगी तो सीमा की लाश जाएगी। मैं अपने पति के बगैर, और मतलब तो भारत देश से भी मेरा प्यार हो गया है, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। हिंदू धर्म में मैं बहुत खुश, बहुत शांति, बहुत सुकून से रह रही हूँ और मुझे यकीन है कि मैं यहीं रहूंगी, यहीं जीऊंगी और यहीं मरूंगी। हमने आपके पति हैदर को भी सुना और हैदर साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान से यहाँ आएंगे, अपने लखते जिगरों को लेकर जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे अगर उनको लड़ना पड़े तो। ऐसे में फिर क्या होगा मैम? पहले तो वो मेरे पति नहीं है, मेरे पति सचिन है, ठीक है। और रही बात बच्चों की और लखते जिगर की, ये तब कहाँ गए थे जब हमें छोड़ के गए? ना इन्होंने कभी हमारा पूछा, ना उनके पापा हैं उन्होंने पूछा, किसी ने उनके परिवार से कभी मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा। तो अब कैसे लखते जिगर हो गए जब हम भूखे मर रहे थे, जब अब्बू हमारे मर गए, ख़त्म हो गए 2022 15 दिसंबर को, उसके बाद हम पे बहुत नौबत आ गई। तो वो तब कहाँ थे? कोई भी नहीं था मेरे सिर पर हाथ रखने वाला, चार बच्चे मैं अकेले कराची में रह गए। लेकिन अभी मैं उनको सुन रही थी हैदर साहब को, तो उनका ये कहना था कि जो अपने धर्म की ना हो पाई, जो पाकिस्तान की ना हो पाई, जो अपने माँ बाप की ना हो पाई, वो हिंदुस्तान की कैसे होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने माँ बाप की थी, ठीक। और रही बात धर्म की, तो मेरा कनेक्शन जरूर हिंदू धर्म से रहा होगा, क्योंकि मैं बचपन में भी भगवान भी दोस्त हिंदू, तो मुझे अच्छा लगता था। यहाँ मैं माता का कई बार पुतला पहना तो मुझे उतरवा लिया गया कि नहीं पहनो, ये होता है वो होता है, तुम्हें डर लगेगा ये लगेगा, तो बचपन में उतरवा लिया गया। तो उसके बाद 2 साल से मैं करवा चौथ और नवरात्रि मनाती आ रही थी, तो बिल्कुल ना पाकिस्तान में ही। और ये साड़ी मेरी पड़ी हुई है, पाकिस्तान की है, मैंने पहले करवा चौथ पे ली थी। बिल्कुल इसमें कोई भी नहीं है, मैं हिंदू धर्म से प्यार है और रही बात हिंदुस्तान से, तो आखिरी सांस तक मेरी वफा रहेगी। एक बार मौका दे के देखो, आप भी देखोगे और हैदर के मुंह पे भी एक तमाचा होगा, क्योंकि वो जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं भी इंसान हूँ, भला बुरा समझती हूँ। सीमा, क्योंकि अभी आपने करवा चौथ की बात की है और कई सारे तीज त्योहार आप वहाँ पर भी मनाती थी, तो हैदर को कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कभी मना नहीं किया हैदर ने? मेरी उनसे कोई बात ही नहीं थी मैम, वो मुझे छोड़ चुके थे। मैं कितनी बार बताऊँ, वो मुझे छोड़ चुके थे। कितने साल हो गए थे? मेरी लड़की छोटी अल पेट में थी तब, मैं प्रेग्नेंट थी, वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है सीमा, ये भी बताना कि आपके जो बच्चे हैं वो सचिन को पापा कहते हैं या फिर हैदर को पापा कहते हैं, या फिर बच्चे पूछते भी आपसे कि पापा कहाँ गए? नहीं, जो मेरा बड़ा लड़का है ना, तब हैदर वहीं पे था, तब भी हैदर को पापा नहीं कहता, हैदर कहता था, क्योंकि वो अलग टाइप का बंदा था, ठीक है। हमें इतना टाइम नहीं देते थे, हमेशा जब भी साथ रहे ना, लड़ाई और मारपीट में रही हमारी ज़्यादातर, और मैं तब फ़ोन भी मेरे पास नहीं थे, फ़ोन मैंने इनके जाने छोड़ने के बाद लिया, तो कभी भी नहीं सचिन को सब, मेरी छोटी लड़की पापा इनको कहती है, बड़े सब कहते हैं। आपका और हैदर का रिश्ता नहीं था ये बताइए? लगभग 3-3.5 साल हो गए। आप कुछ कह के उसने छोड़ा था कि क्यों छोड़ा? लड़ाई हुई थी हमारी, हमें लड़ाइयाँ होती थी हमेशा उनके परिवार की वजह से, तो वो कहते थे जेकमा बाद में रहो, तो मेरी बेटियां थी, मैंने कहा ना मैं इनको पढ़ाऊंगी, हम यहाँ रहेंगे, कुछ भी हो जाए मैं कराची में रहूंगी,
क्योंकि वहाँ बेटियाँ नहीं पढ़ाई जाती। मैं भी पढ़ी लिखी इतनी नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत हूँ। वहाँ बेटियाँ नहीं, कोई बेटी 10-12 नहीं पढ़ी होगी, तो इसलिए मैंने कहा मेरी बेटियाँ पढ़ेंगी, हम कराची में मैं रहूँगी। तो इस बात हमारी बहुत लड़ाई चलती थी हमेशा, उनके पापा कहते थे वहाँ ना रखो, यहाँ ले आओ, तो इस बात में लड़ाई होती थी। जैसे चारों बच्चे आपके साथ रहते थे, उनका भरण पोषण कौन करता था, क्या हैदर कुछ पैसे भेजा करता था? मैम मेरे अब्बू मेरे साथ थे, मेरे अब्बू दर्जी भी थे और वो रक्षा भी चलाते थे, वो दोनों का, मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, वो माँ भी थे और बाप भी थे। हालांकि मेरी मम्मी 2002 में या 3 में वो ख़त्म हो गई थी, तब मेरे पापा ने शादी नहीं करी, हमें पाल पोस के बड़ा करा। मानती हूँ वो थोड़े गरीब टाइप के थे और हम इतने अमीर भी नहीं थे मैम। हाँ अब जब मतलब अब्बू ईदों के सीज़न में सिलाई करते, वरना ऑटो चलाते, तो अच्छा सब समय बीत जाता था। जब आप ना यहाँ पे आई तो उसके बाद क्या हैदर ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कभी भी नहीं, ये मीडिया में ही बोलते हैं, कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी। आपके अब्बू ने? अब्बू वो मर चुके हैं 2022 15 दिसंबर, उनके बाद मैं यहाँ आई थी। घर का कोई और ऐसा मेंबर जो आपके यहाँ आने पे आपसे कोई कांटेक्ट किया हो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, उनका वहीं पे भी इतना मुझसे किसी का कांटेक्ट, थोड़ा बहुत बहनों का था, वो शादीशुदा थी, उसके बाद किसी का भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, किसी ने फोन करके पूछा भी नहीं। ये मीडिया के बाद ही ये बातें, किसी को तो मेरे घर की जानकारी नहीं थी, ये बाद में सारी बातें चलने लगी। चलिए ये तो बात हो गई कि वहाँ कौन था, हैदर क्या कह रहे हैं। एक बात और, चूंकि अभी भी हम आपको सीमा हैदर ही कहते हैं, दुख तो होता हैदर है। कहने से कोई आपत्ति तो नहीं है? बहुत बुरा लगता है मैम, दुख होता है मुझे। मैं सोचती हूँ कैसे आप सबको समझाओगे, मुझे मत बोलो, बुरा लगता है, आप मुझे पुराने दुख याद दिला देते हो। लेकिन फिर हैदर ना कहे तो क्या कहे, क्योंकि देखिए अब आप भारत आ गई हैं। बिल्कुल, भारत आने के बाद परिवार की भी कुछ तमन्नाएं होंगी, सचिन के परिवार की भी, कि शादी की जाए भाई, अब बेटा बहू लेके आ गया है, तो एक अपनी रीति रिवाज से भी शादी करने की बात होती है, तो इस तरफ क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे, ताकि हैदर हट के फिर सचिन लग जाए या मीणा लग जाए, जो भी है, जो आप पसंद करती है। बिल्कुल, हमारी शादी हो चुकी है, मैं सीमा मीणा बन चुकी हूँ। रही बात शादी की, तो हमारा बिल्कुल प्लान है और इतना धूमधाम से करेंगे कि पाकिस्तान को भी पता पड़ जाए, क्योंकि कुछ लोग मेरा अफसोस मनाते हैं कि सीमा बेचारी दुखी है, ऐसी है वैसी है, तो मैं दिखाऊंगी कि मुझसे कितना प्यार। तो कभी नहीं है, सीमा से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, सीमा के चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, एक शांति रहती है, और सीमा कभी परेशान नहीं होती। नहीं। ये तो हमने सारे इंटरव्यू में देखा, और जब भी सीमा आई कैमरे के आगे तो हमेशा हंसती खेलती ही दिखाई देती। एपी सिंह साहब, एक सवाल आपसे भी, चूंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सरनेम क्या, हैदर हो फिर मीणा हो या सचिन हो, एक होता है कि चलिए ठीक है इन्होंने नेपाल में शादी करी, इनके पास तस्वीरें भी हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, क्या उसको लेकर आप लोगों की तरफ से कि हाँ शादी कर ली जाए, एक लीगल, एक आपके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो जाए या कुछ हो जाए जिससे लगे कि हाँ आप शादीशुदा हैं, आप भारत में रह सकते हैं, नागरिकता आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसके लिए क्या? शादी तो हो चुकी, सनातन धर्म सनातन पद्धति के अनुसार ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर के साथ पंच तत्व सूर्य देव आकाश देव चंद्र देव धरती जल देव, आप देखते हैं शादी में जल रखा जाता है, मिट्टी रखी जाती है, धूप रखी जाती है, यही सब चीजें होती हैं, और इनको भगवान मानकर और स्तुति करके पति रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और पत्नी पति रूप में स्वीकार कर ली जाती है, और ये मांग में सुंदीर मंगलसूत्र, ये गले में मंगलसूत्र, माथे की बिंदिया सिंदूर बिछिया, ये सब चीजें हमारी चूड़ियां, ये सब हमारी सुहाग की निशानी है, जिनको लगातार वो प्रारंभ कर दिया और काठमांडू में शादी के बाद, उसके बाद से लीगलिटी तो ये हो गई शादी की बात। आगे कार्यक्रम कितने भी कर लो, रिसेप्शन कितने कर लो, एट होम कितने कर लो, भारत में भी लोग, कोई मुंबई में भी रिसेप्शन करता है, तो कोई दिल्ली में भी रिसेप्शन करता है, तो कोई हिमाचल में भी जाके, तो इस तरह से ये तो अलग चीज है। लेकिन सीमा मीणा की याचिका, जो सीमा मीणा है वाइफ ऑफ सचिन मीणा है, देश के महामहिम राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, उनके यहाँ जो याचिका लगी वो भी सीमा मीणा वाइफ ऑफ सचिन मीणा के आधार पर लगी, और सारी प्रोसीडिंग जो हो रही उसी नाम से हो रही, तो इसलिए यही नाम है। जब वो 3.5-4 साल पहले झगड़े के बाद तलाक दे चुका, ये गर्भवती थी, उसके बाद से कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, किसी तरह से कोई मतलब नहीं, अब मीडिया में आने के बाद ये बात की, और खासकर बच्चों की भी तब बात की उन्होंने जब बच्चे भारत माता की जय करने लगे, आप नोट करिए, आपने भी देखा होगा, जब भारत माता की जय करने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने लगे, वंदे मातरम करने लगे, राष्ट्रगान गाने लगे, तब उन्हें हुआ कि ये तो
बच्चों उन पर दबाव दिया गया। कुछ ऐसे धर्म के प्रति लोग हैं, ब्लाइंड फैथ करने वाले धर्म के लोग, जो इस तरह से इस्लाम धर्म मानना अच्छी बात है, इस्लाम धर्म अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कट्टरता गलत है। कट्टरता के आधार पर उन पर प्रेशर किया जा रहा है कि अब बच्चों को लाने की बात करो, ये बच्चे भी रह जाएंगे, बच्चे हिंदू हो गए, ये तो भैया अब रक्षाबंधन मना रहे हैं, राखी अब तो और परेशानी हो गई, बच्चे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा क्यों, मेरा गांव मेरी माटी मेरी माई, उनको हैदर साहब को बहुत परेशानी हो। लेकिन नागरिकता मिल जाए, सीमा पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए, जिसकी बात ये करती हैं कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, तो वो कानूनी पेचीदगियां, वो लड़ाई आप लोगों की तरफ से नहीं, ये तो हमारी सनातन पद्धति है। सनातन धर्म में ये भी कह रहे हैं, आगे जो बहन बेटियों की शादी होगी वो भी कह रहे हैं, जो हो चुकी वो भी, हमारे देश में परंपरा है, रीति है, रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति, हमारे घरों से डोलियां जाती हैं बेटियों की, डोली जाती है तो अर्थी आती है, क्या मतलब अर्थी का, अशुभ बात है कहना मौत की, लेकिन ये दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि जा बेटी तेरी डोली हमने भेजी है, अब तो मैं भाई के नाते भी कह सकता हूं कि तेरी सीमा इस घर में डोली आई है, बट डोली ही रहनी चाहिए, अगर जाएगी तो सिर्फ अर्थ ही जाएगी, इसके अलावा सीमा इस घर से, इस देश से, इस प्रदेश से नहीं जाएगी। और आगे तक आपने जिम्मेदारी ले रखी है, सीमा धागा थोड़ी है ये, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी है, ये पूरी जिम्मेदारी है सीमा, क्योंकि आपने एपी सिंह साहब को राखी बांधा है, क्या पाकिस्तान में आपने कभी पहले की किसी को राखी बांधा है आपने? नहीं मैम, वहाँ कोई भाई बहन का त्यौहार नहीं होता, सिर्फ दो ही ईद होती है, कोई भाई बहन का त्यौहार नहीं, कोई ऐसी मतलब जैसे यहाँ छोटी छोटी ईद आती है, ईद बोलने त्यौहार आते हैं, तो वो वहाँ कोई भी नहीं है, ऐसे सिर्फ दो ईद आती हैं, बाकी ना भाई बहन का होता है, या कोई अलग से पूजाएं की जाती हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे पहले हम फिल्मों में टीवी में देखते थे ये रक्षाबंधन की चीज़ें, तो अब लाइव मैंने खुद कर आए तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वकील साहब और वकील साहब जैसे पहला त्यौहार, पहला रक्षाबंधन। लेकिन हमेशा एक सवाल तो सबके मन में है, चार बच्चों को लेकर सीमा कैसे इतनी लंबी दूरी तय करते हुए, तमाम हर्डल्स को पार करते हुए ये पहुंच गई भारत, जरा उसके बारे में बताइए, किस तरह की दिक्कत हुई, पैसे कहां से आए, पैसे किस तरह से आपने खर्च किए, क्या कुछ हुआ उस रास्ते के बारे में, बहुत ज्यादा देखिए बात करने की जरूरत है, उस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम भी जानना चाहेंगे कि कैसे इतने बड़े रास्ते को चार बच्चों के साथ आपने पार कर लिया, हम भी सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिल्कुल मैम, पहली बार तो मैं जब आ रही, पहली बार जब आई 10 मार्च को, तब मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी किसी चीज की, पहले यूट्यूब में देखिए हमारे एयरपोर्ट, जिना एयरपोर्ट मैं यूट्यूब में देख रही थी कैसे होता है, क्योंकि जिंदगी में एयरपोर्ट नहीं देखा मैंने, तो पहले यूट्यूब में देखा कैसे होता है, पर वो समझ नहीं आ रहा था, फिर भी थोड़ी कन्फ्यूज, बहुत डर था। मैं जैसे अंदर आई तो पहले दो चेकिंग हुई, तीसरी चेकिंग पे खड़ा करके मुझे अलग कर दिया गया, तो मैं रोने लगी, मैंने कहा मैंने 3 लाख, तब मैंने 3 लाख खर्च करे थे, मैंने घर बेचा था मैंने अपना, घर बेचा था, बिल्कुल किसी ने आपत्ति नहीं जताई जब आपने घर बेचा, वो मेरा ही था मैम, मेरे अब्बू थे बस, वो तो मर गए थे, अच्छा तो आप मेरे नाम से था, मेरा ही था, तो फिर वो मैंने बेच कर फिर 3 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ, मतलब 1 लाख का तो डॉलर करवाया, क्योंकि वहां से आप पाकिस्तान पैसे नहीं लेके जा सकते, वहां से आप डॉलर करवाओगे या नेपाली करेंसी में जा सकते हो, तो वहीं एयरपोर्ट में मैंने वो करवाई, वो भी पता करवा के, फिर हम अंदर गए तो मुझे वहां पे एक रिश्वत के सिस्टम बता रहे हो वहां एयरपोर्ट के अंदर, मुझे साइड में खड़ा कर दिया गया, हाँ मैं रोने लगी, अच्छा मैं अकेली थी, बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट पर भी आपसे रिश्वत ली, रिश्वत छीन लिया गया पैसे, अब इतनी अच्छी मैडम थी वो, सभा मैडम थी, मुझे अलग कर दिया गया, मैं रोने लगी, मैंने मैम मेरे को गलती बताओ, मेरे पास होटल बुकिंग भी थी, वो एक फॉर्म भरा जाता है खाली, बनाया डमी पता नहीं क्या वो बनाए जाते, खाली कंफर्म नहीं होता, बल खाली बस आपको चाहिए होता है होटल बुकिंग, अच्छा कंफर्म नहीं थी, बस होटल वो भी थी, जब नेपाल के सारे कागज मेरे पास थे, लीगल बिल्कुल था, तो वो सब मैं दिखा रही हूँ, मैंने कहा मैं टिकट के पैसे भी दे चुकी हूँ, मैंने कहा मुझे टिकट के पैसे वापस कर दो आप मुझे, मैंने ना पैसे वापस नहीं है आप तुम जाओ, मैंने रोने लगी सारे पैसे ले लिए आपसे, बिल्कुल ले ली, फिर मैं रो रही थी, पहले पैसे नहीं मांगे मुझे, कोने में खड़ा कर तुम नहीं जा सकती, इतना का मैं रो रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि आप मैम आपको वहां बुला रही है, तो मैं वहां गई, तो कह रहे तो मेरे पासपोर्ट, मतलब जब बच्चे साथ हो फी पासपोर्ट तुम्हें 10,000 देने पड़ेंगे पाकिस्तानी, तो मैंने कहा मेरे पास पाकिस्तान नहीं, मेरे $300 है, तो कह रही $150 दे दो, वो मुझसे सुनी मैं छीन लिया। जब आप नेपाल पहुंची तो सचिन से आपने कहा कि वहां मिलना है, सचिन भी यहां से अपना पहुंचे, आप भी वहां पे 10 मार्च को, हाँ बिल्कुल, तो आप बिल्कुल तय करके आई थी कि शादी करके ही लौटना है? नहीं, मैं तब बहुत दुखी थी, मेरे अब्बू के मर जाने में बहुत दुखी थी,
तो मैं इनसे मिलने आई। ठीक है, ये कह रहे तुम आओ मेरे मिलने आओ मुझसे और थोड़ा तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। मैं बहुत दुखी रहती थी, मैं अपने बाप के बाद बहुत दुखी थी क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ थे। तो मैंने अपनी चाची को रिक्वेस्ट करी, उनको भी थोड़े सामान लेके दिया, मैंने कहा मेरे बच्चे रखो, मेरी बहन बड़ी वहीं पे थी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, लाहौर का बताया। तो तब मेरा यही था कि मैं इनसे मिलके वापस चली जाऊंगी, कभी भी फिर नहीं होगा। फिर जब हम मिले तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे लगे। ठीक है, इनसे मेरी मोहब्बत फिर तो पता नहीं हमारी खुशी की कोई हद ही नहीं थी। 3 साल बात करो फिर सामने देखो तो वो खुशी अलग होती है। अच्छा सीमा, लेकिन अभी वही जो पाकिस्तान टू नोएडा की सफर की बात हो रही है, वो हिम्मत कब आया? क्योंकि इतना लंबा सफर, और मन में क्या ये डर नहीं था कि कहीं अगर बीच में रोक लिया गया और फिर आगे मैं नहीं बढ़ पाई, उसके बाद फिर क्या होगा मेरा? बहुत दिक्कतों से आई, डर भी था, मैं वैसे डर नहीं था, पर मैंने खुद को एक चांस दिया। मतलब सारी जिंदगी मतलब रोने से अच्छा था एक बार रो लेते हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या पाकिस्तान की याद आती है? कभी भी नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हालांकि जब हम पकड़े नहीं गए, हम कमरे में रहते, तभी मैं इनको कहती थी मुझे पता नहीं क्यों किसी को याद ही नहीं आ रही, मैं इतनी खुश रही सचिन के साथ। बहुत यहाँ पर परिवार में बहुत सारे लोग हैं, सास होंगी, ससुर होंगी, सभी लोग होंगे। आप जब यहाँ पर पहुंची तो कोई आश्चर्यचकित हुआ कि ये कौन आ गई, पाकिस्तान से आई है? इजिली एक्सेप्ट कर लिया क्या सबने? नहीं, पहले किसी ने नहीं करा, पापा ने मना कर दिया था क्योंकि इनको पता थी बात करते हैं, पर बच्चों की पता नहीं थी कि बच्चे हैं, तो मना कर दी थी मेरे पापा ने। उसके बाद जब ये मसले बन गए तो बाप होता है, तो उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया कि हमारा बेटा है, जैसा हमारा बेटा है, और बहुत प्यार दिया बाद में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरे हाँ बिल्कुल उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कभी कोई दिक्कत नहीं, प्यार दुलार लाड़ सब मिलता है आपको? बहुत मिलता है। हमने देखा चंद्रयान जब लॉन्च हुआ था उसके सक्सेस के लिए आपने दुआएं व्रत रखा, उसके बाद भी आप तीज त्यौहार पर अपने वीडियो बना बना के देती हैं। लोग ये कहते हैं कि सीमा अब मतलब कैमरे के आगे रहना चाहती हैं, वो बस चाहती हैं कि बस वो कैमरे के आगे, इसलिए इस तरह की चीजें करती रहती हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और लोग इतने करते हैं, हाँ। क्या उनका क्यों नहीं कहते? मैं अपने यूट्यूब अकाउंट है, मैं उसमें अपनी वीडियो डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है छोटे छोटे त्यौहार मनाते हुए। लंबी तो डेली की तो मैं नहीं डालती, पूजा तो डेली भी होती है, हम डेली सब कुछ वैसे होता है सब कुछ, तो मैं डेली की तो नहीं डालती। हाँ अच्छे मतलब जो दिन होते हैं मैं उनकी डालती हूँ वीडियो, मुझे अच्छा लगता है, अपने प्रार्थना करती हूँ, पूजा करती हूँ या कोई भी चीज करती हूँ। अच्छा, अभी आपकी एक मूवी भी आने वाली थी लेकिन उसके नाम को लेकर थोड़ा विवाद हो गया कि नाम को चेंज किया जाए, क्या उसके बाद भी कोई ऑफर मिला अभी आपको? मुझे मैम वैसे तो बहुत ऑफर मिल रही, ऐसे लोग आते हैं कोई कह रहा है शरारा गाना को थोड़ा प्रमोट कर दो, बहुत लोग ऑफर दे रहे हैं, ये इसको थोड़ा प्रमोट, थोड़ी वीडियो बना लो बस, थोड़ा लाइव आ जाओ। मैं मना कर देती हूँ, अभी सही नहीं, मैंने कहा बिग बॉस से जैसे कपिल शर्मा से। हाँ बिल्कुल, उसकी बात भी हम करने वाले थे कि कहते हैं जितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बिग बॉस वैसे ही लोगों को खोजता है, और सीमा हैदर तो इस वक्त छाई हुई है, तो बिग बॉस की तरफ से किस तरह से ऑफर आया आपके पास? बिल्कुल, हमारे डॉक्टर एपी सिंह सर को आई थी, एपी दोनों की तरफ से, जो छोटे छोटे लोग हैं वो घर पे चल के आते हैं लोकल से, जैसे सॉन्ग की कर लो ये कर लो, उनको हम खुद मना कर देते हैं। जो बड़ी ऑफर वकील साहब को कहते हैं, उनको पता है वकील साहब यस करेंगे तो आगे सीमा जी यस करेंगे, भाई भी है बिग बॉस हो चाहे कपिल शर्मा, ये मेरे भाई भी है, तो जाहिर सी बात है अच्छे कलाकार हैं, देश की प्रतिभा है, मनोरंजन के क्षेत्र के बादशाह हैं, बेताज बादशाह, अच्छी बात है, खुशी एक अच्छा मंच है, खुशी देना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, हमें उनकी खुशी में खुशी है, हमें उनकी तरक्की में तरक्की है, और हम चाहते हैं उनकी तरक्की को और बढ़ाएं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते प्रयास करें, लेकिन अभी हमारी कानूनी बाध्यताएं हैं, अभी हमें उन चीजों को पूरा कर लें, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, सीमा को जल्दबाजी नहीं, उनसे भी प्यार, उनका भी सम्मान, उनका भी आदर, जो आ जाते हैं यहाँ उनसे भी मिलते हैं। 4 बच्चों को पालना है, बच्चों का भविष्य भी देखना है आगे, तो इसके लिए क्या सोचते हो आप? मैम मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सादे से हैं पर ये मेहनती बहुत हैं, मुझसे पहले भी पूरा घर चलाते थे, आपको ये बता दूं मेरे पति ये पूरा घर चलाते थे, भले तनख्वाह कम हो एक टके का भी वो खुद पे खर्चा नहीं करते, ना उनको किसी मतलब बीड़ी या सुपारी किसी चीज की आदत नहीं है, कोई भी गलत आदत नहीं है इनको, बाकी ये अच्छे हैं मुझे यकीन है, 4 पैसे जहाँ अच्छे मिले हैं, ससुर हैं। पीढ़ी को लेके आपके और सचिन की लड़ाई हो गई थी? हाँ बिल्कुल, ऐसा क्या हुआ था? वो ऐसे लुच्चे लुच्चे दोस्तों के साथ मिल मिल के वो थोड़ी बहुत पीने लगे थे, छुप छुप के भाषा सीख गई है, नहीं सच बता रही हूँ, यहाँ कुछ है पड़ोस पड़ोस के, तो उनके साथ बीड़ी पीते थे छुप छुप के छुप छुप के, हालांकि मेरे सामने कभी नहीं, तो उन्होंने मुझे उन्हीं के दोस्तों ने बताया कि तुम्हारा, मैंने कहा मेरे पति यहाँ आए थे सचिन, मैंने फोन पे बोल रही थी तो अगर हाँ आए थे अभी, मैंने कहा क्या कर रहा तुम लोगों ने, थोड़ी बीड़ी पी ली, तो मैंने उनको फोन तुरंत किया क्या हो रहा है, ये कसमें खा रहे नहीं पी, तो उससे हमारी लड़ाई हो गई, मैंने थोड़ा खुद को जलाया भी था कि तुम झूठ की बोल रहे हो, तो
तो ये अब नहीं पीते, अब कभी भी इनको जरूरत नहीं होती कि बीड़ी को छोलू मेरे सामने। अब सीमा आ गई है तो बीड़ी छूट गई है सचिन की, मान के अब चले सीमा ने बीड़ी छुड़ा दी सचिन, बिल्कुल छुड़ा दी। अब आगे संसार को अच्छे तरीके से चलाना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, कुछ सोचा है आगे के लिए क्या? अभी तो मैंने तो कुछ नहीं सोचा, जब वक्त आएगा देख लेंगे, अभी तो ये चीजें होने दें, बाकी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, खुद कर लेंगे। अच्छा सीमा, आपकी अगर भाषा की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इन तीनों पे बड़ी जानदार आपकी पकड़ है, मतलब काफी अच्छे से बोल लेती हैं आप तो इसको। मैं इंग्लिश के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ। इंग्लिश आप अगर दो लाइनें बोलेंगी ना, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाऊंगी। ठीक है, जो कुछ चीजें ऐसी, हाँ इजी इजी शब्द बोलेंगे जिसमें मैं बोल रही हूँ तो ये मैं सब समझ लूंगी बिल्कुल। एटीएस के मुझे सवाल करता इसी तरह पढ़वाया था एक पेज, मैंने इम्पॉसिबल और ऑलवेज समझी थी, बाकी मैं कुछ नहीं समझी। उनको बताया सर ये ऑलवेज है, ये इम्पॉसिबल है, इनका मतलब ये चीजें मैं पढ़ पाई थी। इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दिया, आई एम पॉसिबल, लोग कहते थे इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने कैसे पढ़ा, टूटी फूटी इंग्लिश वाला कैसे पढ़ता है, आई एम पॉसिबल, तो आई एम पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है, जो काम असंभव हो इच्छा शक्ति है सीमा ने कर दिखाया, सीमा ने कर दिया। अच्छा सीमा, मतलब दो महीने आपको होने वाले हैं, इस दो महीने में आप अपनी लाइफ में क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं इस दो महीने? मैं पूरी बदल गई हूँ बिल्कुल पूरी, मैं पूरी ही बदल गई हूँ। पहले साड़ी पहनना थोड़ी बहुत भी नहीं आती थी, अब थोड़ी बहुत आ जाती है। यहाँ के खाने चीजें बनाना समझ में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ रिफाइंड से बनती है सब्जियाँ, यहाँ तेल से बनती है। क्या पका के अपनी सास और ससुर को खिलाई आपने, जरा बताइए कैमरे के? मैंने आलू बैगन खिलाया, इसको बहुत पसंद किया उन लोगों ने, आलू बैगन बहुत पसंद है, मेरे पापा को तो बहुत ही पसंद है, वो तारीफ करते नहीं रुकते जब बनाती हूँ, तो कहते तुम्हारे हाथों में क्या है, इनके जैसे हैं या कोई अलग हाथ है तुम्हारे? पापा मेरे बिल्कुल, और चने वाले चावल बना के खिलाए एक दो बार इनको, बस यही चीज दो। एक सवाल यहाँ पे, आपने कहा कि वहाँ की बेटी यहाँ आ गई, सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ विवाद, देखिए सीमा है तो विवाद हमने देखा है कि लगा ही है, सचिन को लेकर बहुत सारी बातें की गई, मामला इस वक्त कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, और उस वर्ड को मैं नहीं कहूंगी, हाँ, अच्छा क्योंकि देखिए वो अच्छा भी नहीं अच्छा लगता भी कि बार बार उस चीज को हम कहें, लेकिन वो पूरा विवाद अगर मिथिलेश की तरफ से शुरू हुआ है, लेकिन वो माफी मांगने को अभी तैयार नहीं है, वो तो बार बार यही कह रही है कि भाई ये तो हमारे गांव की भाषा, मान लिया है उन्होंने, मान लिया, कहा देखिए आप दोनों ने बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है, आपका चैनल बहुत सम्मानित है, सम्मानित, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बड़ी, उन्होंने तो कहा कि बस मीडिया वालों ने आईडी लगा दी, ये बुलवा लिया, अब वो बीत गई सो बात गई, अब रक्षाबंधन के बाद वो भी हमारी बहन है, और मैंने तो कहा था यहीं से कहा था मामला समाप्त, हाँ रक्षाबंधन के बाद मैंने कहा अगर बहन आप बुलाती मुझे तो मैं आता, राखी उनसे भी बंधवा लेता, हाँ मैं बंधवा लेता, मैं दरिया दिल रखता हूँ इतना कि मैं राखी बंधवा लेता, आपने माफ कर दिया, माफ क्या बात, जो बात हो गई वो बात हो गई, बात खत्म हो गई, हालांकि वो बड़ी भी थी तो मेरे उनसे कोई लड़, मैंने कभी गलत नहीं कहा था, किसी भी मीडिया में उनको कोई गलत शब्द नहीं बोला, हालांकि मैंने एक मीडिया समाज में कोई किसी का, अब लद्दाख लेह का व्यक्ति का मिल्की व्हाइट अच्छी बात है, सुंदर है, अच्छा कोई अब कोई गेहूआ है रंग, किसी का गेहूआ है, किसी का गोरा है, किसी का सांवला है, किसी का काला, हमारे देश की तो अलग अलग पृष्ठभूमि, लेकिन क्या तमिलनाडु के व्यक्ति जम्मू कश्मीर वालों को प्यार नहीं करते? प्यार तो बराबर करते हैं। अब हमारे यहाँ वेट क्या है, 30-35 किलो से वेट शुरू होता है, 150 किलो तक जाता है वेट, तो उसमें सब एडजस्ट हो जाते हैं, हाइट है 3-3.5 फुट से शुरू होती है लड़के लड़कियों की, 7 फुट तक जाती है, हमारा थली भी है, हमारा थली भी है, आप लोगों की तरफ से माफ कर दी गई, अब कोई विवाद नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं, हमारा कोई। अच्छा सीमा, अब एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि दो महीने आपको हो गए हैं और हिंदुस्तान में हर चीजें आप देख रही है, कौन सा नेता आपको पसंद है? सीएम योगी को भी आप देखती होंगी, पीएम मोदी को भी आप देखती होंगी, कौन पसंद है आपको इन दोनों में? दोनों पसंद है, दोनों नहीं 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 इन दोनों ही पसंद है, पर योगी जी की मैं फैन हूँ समझो, उनकी चीजें मैं बहुत देखती हूँ, तो समझो इनकी फैन हूँ मैं, योगी जी की मुझे अच्छी लगती है, उनकी आदतें वो सिंपल से रहते हैं, ये चीजें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी कैसे लगते हैं? मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, देखा है फोटो में, देखा है, देखती होंगी टीवी में, देखती बिल्कुल देखा है, पर उनके लिए भी कुछ नहीं कहूंगी, जिनका मतलब हमारे देश में पाकिस्तान में भी नाम रहा है वो है मोदी जी और योगी जी, और वहीं पे हम उनके बहुत लोग फैन भी हैं। अच्छा, क्योंकि कहते होंगे कुछ लोग कहते हैं काश यहाँ पे भी मोदी जी जैसा होता तो ये इसका हाल ऐसा ना होता। कहानी कौन सी पसंद है, हीरो हीरोइन कौन सी पसंद है, कौन बहुत पसंद आता है आपको, लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया एक्टर एक्ट्रेस है?
एक्टर अगर फिल्मों की बात करें तो माधुरी जी है, और हरियाणा के सॉन्ग से मुझे सपना चौधरी के गाने और डांस कुछ स्टेप बहुत अच्छे लगते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे, ये मेरे भाई के लिए। और कुछ और भी है, एक और सुना भी कुछ फिल्मी, कुछ गाना फिल्मी जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद। मुझे तो बहुत पसंद है, हाँ तो कुछ सुनाइए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अच्छा सीमा, बस थोड़े बातचीत हमारी बहुत हो गई है, लेकिन चलते चलते यही जानेंगे कि अब देखिए आगे भी बहुत सारे त्योहार हैं, दुर्गा पूजा आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो सब करेंगी आप? बिल्कुल धूमधाम से। सबसे पहले अभी आ रही जन्माष्टमी 7 तारीख की है, तो धूमधाम से मनाएंगे, केक मंगाएंगे, बिल्कुल मनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, यूट्यूब पे भी डालूंगी। तो आप लोगों ने सीमा हैदर को यहाँ पर सुना, जो कि अक्सर 2 महीने से विवादों में थी, विवादों की बातों से उनको जाना जाता था, लेकिन सीमा हैदर अपनी निजी जिंदगी में किस तरीके से रहती है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये आज आपने जाना। और भाई के तौर पर एपी सिंह साहब ने भी आप पूरी जिम्मेदारी ले ली है, चाहे बात सीमा हैदर की जाए, सचिन की जाए, या फिर उनके बच्चों की जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ से बातचीत करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।